हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज वो 10 साल 15 साल पहले ये वाली टेप आ रही थी, अब हम मैं लाया हूँ इसको शुक्रवारी में से। मैं बोल रहता हूँ यहाँ पर, मैं लेकर आया हूँ ये 70-80 रुपये में लेकर आया हूँ। अब मेरे को इस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि 10 साल 15 साल बाद भी ये कार टेप चलती है या नहीं चलती, तो हम देखने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हमें चलाने लिए दो स्पीकर चाहिए और एक पावर सप्लाई 12 वोल्ट 15 एम्पियर 20 एम्पियर दे सकते हो क्या आप? और पावर सप्लाई नहीं है तो बैटरी यूज़ करो आप लोग। पर मेरे पास अभी पावर सप्लाई है तो मैं पावर सप्लाई लेकर आता हूँ। पावर सप्लाई सामने रखा है, उसकी वायर मैं यहाँ से ले लूँगा और आपको आगे दिखाता हूँ। और ये वाले हमारे स्पीकर वायर है, ये वाला हमारे स्पीकर वायर है। ये दो इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। 12 वोल्ट का मैं सप्लाई लेकर आया हूँ, ये वाला देख सकते हो आप स्पार्क। तो अब हम इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट में। ये रेड वाला रेड में और ब्लैक वाला ब्लैक में। ये हम सिर्फ देखने के लिए कार्टेप को लाए हैं कि इतने साल बाद भी चलती है या नहीं चलती। तो गाइस, कार्टेप चालू तो नहीं हुई अभी, कैसे डाल के देखते हैं हम। तो ये गाइस चालू हो गई है और अब हम स्पीकर वायर ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर। वायर ज्वाइंट करते हो और देखते आगे क्या होता है। सुर आवाज आ रही है अभी, कैसेट गलत तो नहीं डाल दी हमने। तो गाइस आवाज नहीं आ रही, एक बार हम इसको खोल कर देखते हैं। ये साउंड आ रहा है, मतलब यहाँ पे बेल्ट है, यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, उसमें प्रॉब्लम है। तो अभी आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला मैं क्लियर करता हूँ, देखो आप लोग, ये वाला देखते हो आगे चालू होती है कि नहीं होती टैप। गाइस कार टैप तो नहीं चल रही, ये देख सकते हो कि आगे फॉरवर्ड हो रही है। अब हम इसको रिपेयर करने वाले अभी, चालू होती है या नहीं होती अभी हम यहाँ से देख लेते हैं, वरना हम इसको खोल कर रिपेयर करेंगे। देख सकते हो आवाज आया, मतलब ये अभी भी चल रही है। देखो गाइस, अभी मैं सॉन्ग तो प्ले कर रहा हूँ पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, इसलिए मैं आपको बहुत कम साउंड यूज करूंगा। देखो अभी कर दूसरा स्पीकर भी मैं कनेक्ट करता हूँ और आप लोगों को मैं दिखाई देता हूँ कि क्या सीन है इसमें। और आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को बोल दूंगा इसके बारे में। ये कार टैप अभी नहीं चालू तो इसको रिपेयर करना पड़ता अभी, और रिपेयरिंग की वीडियो में जरूर डालता, पर कार टैप नसीब है कि चल गई, तो कोई बात नहीं। अब मैंने दोनों स्पीकर कनेक्ट कर दिया, देख सकते हो क्या, अभी भी प्रॉब्लम है यहाँ पर सेंसर में।
सॉन्ग क्लियर हो रहा है, साउंड साउंड क्लियर हो रहा है। गाइस ये आप देख सकते हो कि ये 15 साल 10 साल पहले की ये कांटे बाती थी, और ये मेरे को बहुत टाइम से ये करने का शौक था पर नहीं मिली, तो अभी इसको अभी हम लेकर आ ही गए, तो अभी चलाकर मैंने दिखा दिया। और इसमें आपको मैं आईसी दिखा देता हूँ कौन सी वाली है। आईसी इसमें 6283 वाली आती है, 6283 ये वाली आईसी लगी है, वो रेडियो में आती है अभी। बहुत ही कमज़ोर आईसी है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आईसी, ये वाली आईसी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि मेरे को वो कार्टेप वाली आईसी बहुत पसंद है, तो कोई बात नहीं, कार्टेप को चालू एक बार करते हम। अच्छा ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओ क्या बोलते हैं, रोल खत्म हो गया है, देख लो रोल खत्म हो गया है, अब उसको उल्टी साइड डाल देंगे यहाँ पर और प्ले करेंगे। फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, ये देख लो यार, ये देखो चालू हो गया। गाइस आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में ये कार्ड टेप पर लाने वाला हूँ। ये वाली कार्ड फुल डेड है, उसका बेल्ट नहीं है, सब कुछ नहीं है, किसी ने इसको पूरा रगड़ दिया है, कस्टमर लेकर गया था। तो ये मेरे फ्रेंड की अभी लेकर आएगा वो सामान। और दूसरा हम ये पावर सप्लाई 12 वोल्ट 33 एम्पीयर का पावर सप्लाई है, इसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।